देखिए आवाज मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। औरंगाबाद लॉकडाउन के बारे में महाराष्ट्र के मिनिस्टर यानी राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार का क्या कहना है, ये सुनिए जानिए। आज शहर औरंगाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक औरंगाबाद के इलेक्शन के सिलसिले में अब्दुल सत्तार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल सत्तार के अलावा शिवसेना के मिनिस्टर भूमरे, MLC अंबादास दानवे और दीगर लीडरान मौजूद थे। इस मौके पर पत्रकारों के सवालात के जवाब देते हुए अब्दुल सत्तार ने लॉकडाउन का दिफा किया। इम्तियाज जलील ने जो लॉकडाउन के ऊपर तनखीद की थी उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो उनका ख्याल हो सकता है लेकिन एहतियात ज़रूरी है। अब्दुल सत्तार ने यह भी बताया कि आने वाले बैंक के इलेक्शन में क्या होने वाला है। मजमूई तौर पर आज अब्दुल सत्तार बहुत ही खुशगवार मूड में थे। उन्होंने काफ़ी सवालात के जवाब दिए, खुशगवार जवाब थे उनके। तो सुनिए जानिए देखिए क्या कहा अब्दुल सत्तार ने कोरोना के बारे में, लॉकडाउन के बारे में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। ये देखो सादा सीधा छोटे तरीके से कम लोगों में अगर नियम का पालन करके, शासन के आदेश का पालन करके शादियां लगाई गई भी तो वो बहुत अच्छा बात है। कम खर्चे में शादी भी होती है और उसका अभी मेरे लड़के की शादी, मैं समाज की युवा में किया, मेरी लड़की की किया, मेरे पूरे खानदान की शादी आज तक सादे पत्र से हुई है। तो ये तो लोगों का अपना सोच है। मुझे लोगों को एक ही अपील करना है कि जो सरकार ने, जिला अधिकारी यानी कमिश्नर साहब ने जो निर्णय लिया है, जो जिले के लिए जो फैसला लिया है, उसकी अमल बजावनी करना चाहिए और ये कोरोना की महामारी से दूर रहना चाहिए और इसको हमारा संरक्षण हमको करना होगा। हमारा मास्क हमको लगाना है, हमको लोगों का सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और जहाँ भी गर्दी होंगी उसको टालना है ताकि अगर नहीं तो फिर बाद में लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन हुई तो देश की आर्थिक परिस्थिति, राज्य की आर्थिक परिस्थिति, हमारी सर्वसामान्य गरीब आदमी की, किसान की, व्यापारी की, सबकी आर्थिक परिस्थिति नाजुक हो जाएगी। नहीं, कंपनी के अंदर एक के ऊपर एक 500 नहीं खड़े रहते हैं, दूर दूर कंपनियों का अपना अपना काम करते हैं, वहाँ भी सोशल डिस्टेंस का पालन करके कंपनियाँ चलाने का उन कामगारों को भी आदेश दिया गया। अब खासदार साहब सन्मान्य इम्तियाज जलील साहब ने उनका बोलने का, उनका सोच, उनका विचार अलग हो सकता है, पर मैं सरकार बोल के ये बात बताना चाहता हूँ कि हर कंपनी वाले को भी कोरोना का संकट के अंदर, महामारी के अंदर जिला अधिकारी महोदय ने जो रिक्वेस्ट किया है, जो आदेश दिया है, उसका पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय से लेके तो हमारा जो अधिवेशन हुआ वहाँ भी हमने सोशल डिस्टेंस का पालन करके ही पूरा अधिवेशन, मैंने 3 बार हमारी चेकिंग भी हुई और उसके बाद में उसका अमल में आया और अच्छी तरीके से अधिवेशन हो गया। तो जनता ने अगर साथ दी तो आगे भविष्य में लॉकडाउन बढ़ेगा नहीं, यही मेरी जनता को, सारे लोगों को नम्र विनंती, रिक्वेस्ट और गुजारिश रहेगी कि उन्होंने सरकार के आदेश का पालन करना चाहिए। कोई राजकारण नहीं, कांग्रेस के लोग भी अभी कन्नड़ के अंदर जो राठौड़ है वो कांग्रेस के हैं, वैजापुर में जो अप्पा साहब रामकृष्ण पाटिल है वो कांग्रेस के हैं, इसमें कोई पार्टी नहीं है। ये सब पार्टियाँ, सारे पक्ष के जो किसानों का हित जो जो समझ सकते हैं, किसानों के बारे में जिनको आस्था और प्रेम है, वो सारे पक्ष के लोगों को हमने इस क्षेत्रीय विकास पैनल में लिया है। इसमें कोई पार्टी, जात पात, धर्म का सवाल ही नहीं है। कल्याण काले और सुभाष झामर को क्यों दूर रखा गया है? वो दूर नजीक आए तो जब दूर करें तो नजीक इतने आए तो दूर कैसे करेंगे उनको? वो बेचारे पैनल लड़ रहे हैं, पैनल लड़ना उनका हक है लोकशाही में। अब वो 21 तारीख को वोट होंगे, 22 तारीख को रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ जाएगा। लोकसभा के टाइम पे तुमने देखे थे मैंने क्या क्या बोला था, क्या क्या हुआ, वो सही निकलता है भाग्य भविष्य। सत्तार साहब आप भी मंत्री है, भूमरे साहब भी मंत्री है, इतना महाराष्ट्र में आपका कार्य क्षेत्र है काम करने का, यह भी आरोप लगाया जा रहा है इतने छोटे काम में आपने क्यों, छोटे काम में आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे बड़ा काम किसानों का यही है। हमारे पास 70,000 मतदान किसानों का, एक एक मतदार संघ में जिला मध्यवर्ती बैंक का है और 70,000 को अगर छोटा बोलते होंगे वो तो फिर उनकी कमाल है। ये हमारा किसानों की बैंक है और ग्रामीण भाग में बड़े पैमाने पे किसानों को कर्ज वाटप करने वाली बैंक है, छोटा नहीं, उनके हिसाब से छोटे होंगे। हम 15 साल से मैं इसका संचालक हूँ, कोई 20 साल से संचालक है, कोई 25 साल से संचालक है और हम लोग इस बैंक को जिस
विकास के माध्यम से चलाते हैं आदरणीय सुरेश पाटिल साहब ने, जितनी पारदर्शिता से ये बैंक चलाई, इसलिए मराठवाड़े में सबसे तरक्की वाली विकसित बैंक और किसानों को मदद करने वाली बैंक के रूप में औरंगाबाद जिला मध्यवर्ती बैंक है। सत्तार साहब, माइनॉरिटीज को इस बैंक से क्या फायदा है? माइनॉरिटी को, मैं जो यहाँ बैठा हूँ आमदार बनता हूँ माइनॉरिटी का, तो किसानों को हम लोन देते हैं, वो बेचारे हमको वोट देते हैं और उनकी हम सेवा करते हैं, उसका ही काम है किसानों को और माइनॉरिटी को फायदा। क्या माइनॉरिटी के किसान के लिए अलग नियम है और मेजोरिटी के किसान के लिए? कई माइनॉरिटी के भी किसान हैं जो इस बैंक के संबंधित हैं, उनको भी न्याय देने का काम, सारी जात के, सारी कौम के, सारे धर्म को न्याय देने का काम नितिन पाटिल साहब ने गए 2 साल से एक अच्छी तरह काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनको बोला कि हमारे आने वाले भविष्य के चेयरमैन वही है। आप भी हो सकते हैं? नहीं, मैं हो नहीं सकता, मैं बोल रहा कि मेरा दोस्त है, वो मेरा छोटा भाई आपका है, आपका बच्चा भी हो सकता है। समीर को तो मैंने फार्म काटने लगा था, कैसा होगा ऐसा होता मत कर दो, फार्म ही विड्रॉल कर लिया, मेरा बच्चा कैसा और उसको ही चेयरमैन करने का हमने सब नेताओं ने फैसला लिया है। और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में 21 तारीख को चुनाव होगा, 22 को रिजल्ट आएगा और 22 के बाद में रणनीति ठहराई जाएगी और नितिन पाटिल साहब के नेतृत्व में इस बैंक का काम चल रहा है। मैं आपको इसलिए गारंटी से बता रहा हूँ कि उनके वालिद साहब ने अपने आखिरी सांस तक इस बैंक की सेवा की, इस बैंक में किसानों का हित, किसानों को मदद करने का काम, ये बैंक को सक्षम करने का काम और बैंक को 11 सेक्शन में से निकालने का काम, ये आदरणीय सम्मानीय सुरेश पाटिल साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बारे में आज भी हम कई बैंक के वोटर्स को मिले, मतदाताओं को मिले, तो सबकी सहानुभूति आज भी सुरेश दादा पाटिल साहब के साथ है। तो इसका मतलब चुन के आ जा रहा है आपका पैनल, भरोसा है? आ जा रहा नहीं, आयवा है, आप सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी है, क्योंकि लोग जब बोलते हैं, लोग जब हमसे बात करते हैं, लोग जब विश्वास देते हैं, तो ये वोट देने वाला दिल से बोलता है। मुझे थोड़ा थोड़ा समझता है कि मतदाताओं के पेट में क्या है, वोट में क्या है, और जब वो सिक्का मारने का है इसके अंदर, पहले वो बटन दबाने का था, उसके वोट में क्या है। इसलिए किसानों की सेवा इतनी बेलौस तरीके से, इतने ईमानदारी से और वफादारी से इस बैंक में हुई, मैं आपको बोलता हूँ उसका फायदा हमारे इस क्षेत्रीय विकास पैनल को मिलने वाला है और नितिन पाटिल साहब के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं।